हेलो दोस्तों, निक्को देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने घर में तल्लीन होंगे और महाशिवरात्रि का त्यौहार मना रहे होंगे। दोस्तों नमस्कार सबको, हर हर महादेव। आपका परिवार और आपका जीवन खुशियों से भगवान शिव भर दे, अपने आशीष से, अपने आशीर्वाद से आपके सत छाया को बनाए रखे, आप उनकी असीम कृपा उन पर आपका रहे। दोस्तों मैं कुछ दिनों के से आपके पास वीडियो में नहीं आ रहा था, कुछ कारण मेरा था, इस कारण से मैं वीडियो में नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत अचानक कुछ खराबी हो गई थी। जिस प्रकार मशीन काम करता है उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है, पार्ट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर है दोस्तों, हमारे शरीर में भी बॉडी पार्ट में बहुत सारे तंत्र हैं, कोशिकाएं हैं, इन सब कोशिकाओं में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं और शरीर में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मुझे थायराइड तो नहीं कहूँगा, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई थी दोस्तों, उसके अलावा बीपी बढ़ गया था। मैं आप लोग के सम्मुख आया हूँ आज बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बीपी मैंने कैसे कंट्रोल किया और कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करता हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना काम में लगा रहता हूँ और करीब 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक डेली करता हूँ। दोस्तों पूर्णतः सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन हमको 85% का सुधार हो गया। इन्हीं दो क्रियाओं से मैं सुबह उठकर 4-5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ, वो भी खाली पैर। दोस्तों खाली पैर से क्या होता है, हमारे शरीर में अर्थिंग की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। हम खाते भर हैं उससे केवल अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। मैं खाली पैर ही चलता हूँ गांव घर में। उसके आने के बाद मैं आपका योगा करता हूँ, पेट पीटी करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए पेट का पीटी करना आवश्यक है। पेट पीटी करता हूँ और आधा घंटा चारों तरफ से मैं अपना चर्बी को कम करने में लगा हूँ। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेरी बढ़ गई थी, अब बढ़ी हुई भी है, करीब 88 kg मेरा वजन हो गया था, मुझे अपने आप में डर लग रहा था। तो इन सब क्रियाओं को करने के बाद मुझे बहुत राहत मिली और मैं एक दवा और यूज करता हूँ, उसे बताऊँगा कभी किसी वीडियो में। लेकिन मैं अभी देखिए आपके सामने एक चीज़ मंगाया हूँ, हेल्थ केयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक चीज मैंने मंगाई है। हेल्थ केयर पैक, इसका MRP आपको पड़ेगा दोस्तों 3,705 रुपया। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कंपनी का, लेकिन किसी को अगर जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इससे लाभ क्या हमको हो रहा है देखिए मैं बताता हूँ। इसमें पैक हैं दोस्तों, सामान पैक्स हैं। इस सामान पैक्स में से मैं निकाल रहा हूँ, ये है हिमालयन बेरी, IMC कंपनी की ये हिमालयन बेरी है दोस्तों। ये शरीर के विभिन्न प्रकार के टॉन्सिल, विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है, जमे हुए नस में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, दवाई से केवल कंट्रोल होता है, या आयुर्वेदिक पूर्णता है। ये पीला कलर का आप देख सकते हैं, इसे इसमें हाफ करीब मैंने इसे मिलाया है। देखिए आपके सामने मैं पानी भी रखा हुआ हूँ और इसमें हाफ गिलास पानी है, इसमें मैं इसको डाल रहा हूँ। देखिए इसका कलर एकदम ऑरेंज कलर का है, मैं इस
इसको डालता हूँ। ये हिमालयन बेरी है दोस्तों, इनका इसका बहुत ही बड़ा औषधीय गुण है। हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं सबको ये खत्म कर देता है। पहले भी मैंने IMC का प्रयोग किया था और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेदिक की ओर बढ़ा जाए, अपने भारत देश का प्रोडक्ट यूज किया जाए, तो मैं इसमें आ गया हूँ। अब देखता हूँ, इसका एक दिन कल मैंने शाम का प्रयोग किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और उसके बाद देख सकते हैं मैं कार्टून से ही निकाला हुआ हूँ, ये है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा जो आप गाँव देहात में लगाते हैं वही चीज़ है, लेकिन परिशुद्ध किया हुआ है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हिमालयन बेरी के बाद मैं एलोवेरा का यूज कर रहा हूँ अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और शरीर को अपना हेल्थ बनाने में। इसे 6 महीना में एक बार यूज अगर करिएगा तो इसको भी हिला लीजिए थोड़ा सा, इसका भी हाफ करीब 10-15 ml इसमें देखिए मैं फिर डाल रहा हूँ उसमें। एलोवेरा डाल दिया, ये शरीर के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पेट की जितनी भी जान है सबको ये एलोवेरा खत्म करता है, और ये IMC कंपनी की एलोवेरा मैं यूज कर रहा हूँ अपने लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें और कुछ है, यह श्री तुलसी, ये IMC कंपनी की श्री तुलसी है दोस्तों। ये आपको लू में भी काम देगा, आपको इसका ढक्कन देख सकते हैं, ये लू में आपको काम देगा और खुजली में काम देगा, सिर दर्द बदन दर्द में काम देगा, और इसमें जॉइंट में जो खाना नहीं पचता है दोस्तों, उस समय मैंने इसका यूज किया था, डॉक्टर से मैं हार चुका था, इसका मैंने प्रयोग किया जिसमें खाना जाता था, बहुत कम जाता था, इसमें 3-4 बूंद इसको डालना, अधिक नहीं। अधिक डालने से क्या होगा, इस शरीर को हर्जा पहुँचाएगा दोस्तों, और ज़्यादा डालने से कोई फायदा भी नहीं है। 3-4 बूंद ये एनर्जेटिक हमारे शरीर को रखता है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये है श्री हल्दी, IMC कंपनी की श्री हल्दी है, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। ये शुद्ध हल्दी है, कच्चे हल्दी से तैयार किया गया, उसको हिला लें। इससे भी 4 बूंद हाफ गिलास पानी में इन दवाइयों को मिलाने के बाद आप मिला सकते हैं, चाहे अलग से इसका यूज करना चाहते हैं। जानते हैं ही है कि हमारे शरीर के लिए हल्दी की कितनी आवश्यकता होती है। इसको 4-5 बूंद आप मिला लीजिए, मैंने मिला लिया। अब इसको मिलाने के बाद दोस्तों ये मेरा दवा तैयार हो गया है, इसको हिला लीजिए थोड़ा सा, और इसको हिलाने के बाद इसको देखिए, दवा आयुर्वेदिक तो कड़वा ही होता है, उसमें कहना नहीं है, लेकिन इसको अगर पी जाइएगा तो शरीर इतना है हिस्ट पुष्ट बलिष्ट लगता है, और आपका शरीर में पाचन क्रिया बहुत ढंग से होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से घटने लगता है, और हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियाँ सही रूप से काम करने लगती हैं। लेकिन इसका अत्यधिक सेवन करना वर्जित है, इसको एक लिमिट के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, विशेष करके श्री तुलसी हमेशा आप अपने पास रख सकते हैं, और जब भी लू लगा तो इसे आप अपने जीप में भी 2-4 बूंद गिराइएगा तो हमेशा रहेगा। खुजली पर भी काम करता है, सिर दर्द पर भी काम करता है, हल्का पानी मिलाकर इसको यूज करना चाहिए, और ये 1300 प्रकार की बीमारियों पर ही काम करता है, कंपनी की दवा है, ये मेरी दवा नहीं है, और ये आयुर्वेदिक पूर्णतः स्वदेशी है, मेरा दवा इसमें नहीं है। अगर इसमें आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस प्रकार की दवाई आप लेना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6256-63-121, पुनः एक बार आप सुन सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 6256-63-121। इस प्रकार की दवाएं सभी जगह मिलती हैं, ऐसे में मुझे आवश्यकता नहीं है आपको फ़ोन करने की, लेकिन विशेष जानकारी अगर नहीं है
आपके पास तो मुझे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपका डिपो बता दूंगा मैं कहाँ से आपको लेना है। देखिए इस दवा का रंगत ये लाल कलर का है। कोई भी दवा पीने से पहले थोड़ा सा धरती माता को दिया जाता है, मैं धरती माता को दे रहा हूँ हल्का सा बस। अब इसको मैं पी जाऊँगा और इसके बाद मैं नाश्ता 10 मिनट के बाद करूँगा। वो भी नाश्ता मतलब ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, तेल खाना नहीं है। आप तेल यूज करें तो भूसा तेल का यूज कर सकते हैं। भूसा तेल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा है। खुद में भूख होगी हूँ इसका मैं थोड़ा सा पालन कर रहा हूँ। थैंक यू। अब देखिए मैं इसे पीता हूँ। कड़वा तो नहीं, कड़वा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कासा टाइप का है, कासा जिसको हम लोग बोलते हैं, खट्टा मीठा हल्का इस प्रकार का है। तो अगर आप लोग कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं दोस्तों, तो आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें, योगा जरूर करें, खाने में चावल का प्रयोग प्राय प्राय बंद कर दें, रोटी खाएं, सलाद खाएं, चना खाएं, गुड़ खाएं, अंकुरित मूंग और चना को आप अंकुरित करके खा सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो शरीर में आपका शुगर भी हाई हो जाता है, तो ज़्यादा नमक का प्रयोग ना करें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, तली भुनी चीज़ें खाएं तो भूसा तेल से खाएं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं रहती है, तेलीय पदार्थ नहीं रहता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े हुए थे और देख रहे थे दोस्तों, और मैं आप लोग को बता रहा था, पुनः मैं बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो हिमालयन बेरी देख सकते हैं, इसी कंपनी की है हिमालयन बेरी, इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें गैस वगैरह या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ख़त्म करता है, ये पाचन क्रिया को हमारा दुरुस्त करता है, और हमारा जो सुबह का बाहर भीतर होने का जो रहता है मतलब मलमूत्र, वो भी बहुत ढंग से निकलता है। इसमें 4-5 बूंद लगा देने से श्री तुलसी को इसका पावर बढ़ जाता है दोस्तों। और ये तो शुद्ध हल्दी है, आप हल्दी यूज करते हैं, एंटीबायोटिक है, हल्दी का भी बूंद बहुत है, आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरी वन। निकू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए। और दोस्तों ये मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रहा है, कुछ तबीयत खराब था, इसलिए मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फोर्ट वीडियो में बहुत वीडियो बना रहा था। थैंक यू एवरीवन। निकू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और आप सभी को जय हिंद, जय सु, जय श्री राम, हालेलुया, आमीन, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप जिस भी धर्म से हैं सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। अब इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। कुछ साउंड अगल बगल से आ रही थी दोस्तों, काम चल रहा है बगल में, इसलिए मैं माफी का प्रार्थी हूँ। थैंक यू एवरीवन।